तो यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बीसी सखी मनरेगा मिट और पंचायत सहायकों के बारे में, लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे। क्या अब प्रयागराज में होने वाला संगोष्ठी सम्मेलन नहीं होगा? अब क्या कुछ नया डेट आया हुआ है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है संविदा कर्मियों के पक्ष में? क्या कारण हो सकता है सम्मेलन को स्थगित करने में? क्या सभी संविदा कर्मियों के मानदेय को लेकर कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है? इन सभी चीज़ों को जानना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो आपसे एक निवेदन करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जहां पर 75,000 रुपये पर लगने वाले 4% वार्षिक ब्याज से बीसी सखी बहनें परेशान हैं और मनरेगा मिट के साथ साथ पंचायत सहायकों का भी मानदेय ना मिलने की वजह से ज़्यादातर संविदाकर्मी परेशान हैं। तो उसी बीच आने वाले समय में जल्द ही आने वाले 15 दिसंबर को सरकार आपको गुड न्यूज़ दे सकती है। दोस्तों, 15 दिसंबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ ऐसा अपडेट निकल के सामने आ रहा है जो भी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप अच्छे से समझिए। और ये नोटिस DPRO की तरफ से मैसेज भेजा गया है। अत्यंत आवश्यक है, टॉप प्रियोरिटी पे सभी अधिकारी ध्यान दें। सभी ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सहायकों का सम्मेलन दिनांक 15 दिसंबर को लखनऊ में निश्चित हुआ है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित पंचायत भवनों का लोकार्पण और ग्राम सचिवालय का शुभारंभ किया जाना है। इस कार्यक्रम में सभी प्रधानों सहायकों को लाए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कर शीघ्र बसों की व्यवस्था की जानी है, तथा रास्ते की भोजन पानी रुकने की आदि की व्यवस्था भी की जानी है। समस्त व्यवस्थाओं हेतु मुख्य विकास अधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जाना है। समस्त पदों पर व्यय हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। अविलंब तैयारी प्रारंभ कर दी जाए, उच्च स्तर से आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने कई वीडियो में बताया था कि आने वाले जल्द ही समय में प्रयागराज में आप लोगों का सम्मेलन होने वाला है, लेकिन वो सम्मेलन किसी कारणवश स्थगित हो गया था। उसी सम्मेलन के एवज में सरकार आपसे 15 दिसंबर को लखनऊ में सम्मेलन करने जा रही है। बाकी दोस्तों, अगर मैं बताऊँ आपको किस तरीके से सरकार के द्वारा, यानी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रयागराज में दिनांक 5 दिसंबर 2021 को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ प्रस्तावित आयोजन के संबंध में 30 नवंबर को नोटिस जारी किया गया है कि जो भी 5 दिसंबर को फंक्शन, संगोष्ठी या सम्मेलन होने वाला था, वो किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अब आने वाले समय में, यानी 15 दिसंबर को, आप अपने संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी से संपर्क कीजिए और इस मैसेज आए हुए बाबत को उनको सूचित कीजिए कि सर, इस तरीके का मैसेज आया, हमें क्या करना है, आने वाले समय में आप ज़रूर काम करेंगे। बाकी दोस्तों, आने वाले समय में ये ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये मुख्यमंत्री जी से आप लोगों की वार्ता होगी सम्मेलन के माध्यम से, जो 15 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, तो इससे संबंधित मुझे लगता है बीसी सखी बहनों, नरेगा मिट, पंचायत सहायकों की सभी समस्याओं का समाधान उस सम्मेलन में हो सकता है। तो आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन और सवाल मुख्यमंत्री जी से आगामी 15 दिसंबर को होने वाले सम्मेलन लखनऊ में जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको सरकार के द्वारा नियुक्ति दी गई है तो मानदेय देना भी सरकार का ही काम है। जिस तरीके से आपसे सरकार द्वारा काम लिया जा रहा है, उस तरीके से सरकार को आपको समय पर भी मानदेय दिया जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, कई सारे कारण हो सकते हैं जो भी 5 दिसंबर का आयोजन रद्द हुआ है। बाकी आने वाले समय में जो भी अपडेट आता है, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।